अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के सभी 40,000 विद्युत आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को सविलियन में किया जाए एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए एवं वेतन वृद्धि की जाए। अपनी जायज मांगों को लेकर आज से सभी मध्य प्रदेश के 40,000 विद्युत आउटसोर्स कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारी हड़ताल पर है। जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक हड़ताल सतत जारी रहेगी। आंदोलन आज कन्नौज विद्युत मंडल के सामने प्रारंभ किया। प्रथम दिन कांग्रेस के पूर्व जनपद अध्यक्ष डॉक्टर ओम पटेल, पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, राजकुमारी कुंडल सहित कांग्रेस नेताओं ने कर्मचारियों की मांग का उनके बीच पहुंचकर समर्थन किया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। हड़ताल पर यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं कन्नौज डिवीजन के 303 आउटसोर्स के कर्मचारी और संविदा के हमारे 40 कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी कर्मचारी जब तक हमारी मांगों का लिखित आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहीं पर बैठे रहेंगे। आपका नाम और पद? योगेंद्र पीपले, देवास जिला प्रभारी आउटसोर्स कर्मचारी संगठन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।